गुड मॉर्निंग साथियों गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राम राम एक बार सभी साथियों को एक बार कमेंट करके बता दें कि सब कुछ मस्त चल रहा है बेस्ट मस्त सब जिंदगी अच्छी चल रही चलें आगे बढ़े कहते हैं ना जिंदगी में जो बेस्त है वही मस्त है खाली मन से तान का अड्डा तो आप भी अच्छे कामों में व्यस्त रहें और खुश रहें आज का टॉपिक है दशमलव यानी डेसिमल इसके पहले आपने एक सूचना देख लिया लगभग एक मिनट के अंदर में है ना पूरा जो आपने स्लाइड देखा बहुत काम की चीज़ें थी उनको एक बार बैक करके देख लीजिएगा दशमलव का भाग करना आज की क्लास मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और उसके पीछे बहुत सारी वजह है और ये मैं रात के लगभग दो बजकर उनतालीस मिनट पर कर रहा हूं मैं आज ऐसा धर्म संकट में पड़ा था कि मैं सो भी नहीं सकता था और मैं जाग भी नहीं सकता था क्योंकि क्लास सुबह पाँच बजे थी अगर मैं पाँच बजे तक वेट करता तो कभी कभी इतना ज़्यादा तेज़ नींद आ जाती है कि सुबह मैं लाइव ना आ पाता और इसीलिए मैंने सोचा कि चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं अगर मैं जागता रहा तो लाइव कर दूंगा सुबह पाँच बजे नहीं तो इसको रिकॉर्डिंग भी आपको दिखा दूंगा ठीक है तो जिनको सिर्फ सीखना है दिल से उनका दिल से स्वागत है और जिनको लाइव रिकॉर्डिंग में फर्क करना है भाग जाए यहाँ से चुपचाप क्योंकि मुझे लगती है गुस्सा मैं चौबीस घंटे आपके लिए काम करता हूँ सिखाऊंगा एक एक पॉइंट समझाऊंगा नहीं समझ में आएगा कमेंट करिए फिर भी नहीं समझ में आ रहा नंबर पर संपर्क करिए समझाने की हमारी गारंटी है पढ़ना चाहते हैं तो आइए स्वागत है इतने टाइप के क्वेश्चन हम लोग यहाँ करेंगे तीन टाइप के पहले मुख्यता ठीक है चलो तो पहला टाइप वो है जब दशमलव सिर्फ अंश में लगा हो और हर में दशमलो ना लगा हो ठीक है एक बात मैं आपको बताया था दशमलव हटाना छोटी सी बात सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा जैसे अगर 2.5 है यहाँ पर दशमलो लगा है ना नीचे मान लो पाँच है तो साथियों एक अंक पर दशमलव है ना तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं अंश और हर दोनों में एक से गुड़ा कर देते हैं ठीक है ये प्रक्रिया हर एक क्वेश्चन में करोगे फिर क्या करते हैं ऊपर एक अंक पर दशमलव था तो ऊपर एक जीरो नीचे भी एक जीरो लगाएंगे जिससे मान पर कोई फर्क ना पड़े ठीक है एक अंक पर दशमलव था तो इसका मतलब हम दस से नीचे ऊपर गुड़ा कर देंगे दशमलव का हल हो जाएगा तो ये फाइनल में आपका हो जाएगा बच्चा दो सौ पचास और ये हो जाएगा आपका पचास दशमलव में अगर आगे बढ़ेंगे एक अंक पर दशमलव था यहाँ एक अंक पर दशमलव हो जाएगा ये दशमलव अगर हम हटाएंगे इसका हिसाब करेंगे तो इतना आ जाएगा क्लियर यानी एक बटा दो आ जाएगा बात पक्की कोई दिक्कत ना किसी को तो ये क्या था तरीका दशमलव हटाने का हमने सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले गिनती का दशमलव हटाया मैंने आपको पूरी बात क्या बताया क्या बताया दशमलव एक अंक पर था मैंने ऐसा प्रोसेस किया उतना आया अब मैं इसी कंडीशन के आधार पर यह भी आपको कह सकता हूं कि अगर ये ऐसे दिया है बच्चा तो इसको हम एक अंक ऊपर दशमलव हटा के नीचे एक अंक जीरो डायरेक्ट अगर बढ़ा लें तो इसमें कोई बुराई नहीं है अब मत पूछना ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसी प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ हम ये तीन चार स्टेप ना करके डायरेक्ट लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं ये आपको आना चाहिए ठीक है क्लियर बढ़िया चलो आगे देखें चलो मस्त अगर हम इसी क्रम में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि 4.5 और नीचे 9 है तो बच्चा ऊपर एक अंक पर दशमलव है हटा करके नीचे हम नौ जीरो नब्बे लिख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए नहीं तो आगे मैं कर दूंगा तो ये मत पूछना कैसे हो जा रहा है ठीक है ये क्यों ऐसा हो गया उधर देखो प्रोसेस हुआ है सेम उसी तरीके से फाइनल में शुरू में ये इतना था इतना था फाइनल में वही बना लास्ट में एक जीरो आ गया बस बाकी सब वही है ना है ना चलो बढ़िया तो ये चीज़ें हर आंस दोनों में लागू होती हैं ज़रूरी नहीं किसी एक ही में जैसे एक और देख लो मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल बच्चा ये लिखा है पैंतीस और मान लो नीचे लिखा है सात नहीं ना दो दशमलव पाँच तो जानते हो क्या करेंगे ऊपर का गिनती वैसे रहेगा नीचे से दशमलव हटेगा और नीचे दस दशमलव हटेगा तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा बस ठीक है क्लियर चलो अगला देखो अगर मैंने लिखा है कहीं पर फोर पॉइंट एट फोर्टी एट लिखा ओनली नीचे लिखा वन पॉइंट टू ऐसी कंडीशन में नीचे से दशमलव हटता है तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा नीचे ऐसे आ जाएगा ठीक है अगर ये दशमलो नीचे दो अंक पर लगा होता दो अंक पर तो ऊपर अड़तालीस के बाद क्या होता दो जीरो बढ़ता ये याद रखना एक अंक पर दशमलव है पीछे से गिनते हैं इधर से एक अंक पर दशमलव है तो ऊपर एक जीरो बढ़ेगा दो अंक पर था तो ऊपर दो जीरो बढ़ेगा और इसी तरह से अगर तीन अंक पर दशमलव होगा कहीं ध्यान देना अगर कहीं तीन अंक पर दशमलव होगा, अब मान लो ऐसा है, तीन अंक पर दशमलव है देखो एक दो तीन है ना तो ऊपर तीन जीरो बढ़ जाएगा डायरेक्ट यानी आप ऊपर क्या करोगे आ, तीन जीरो बढ़ा के नीचे पंद्रह लिख दोगे बात समझ में आई नीचे से दशमलव खत्म और ऊपर तीन तीन जीरो बढ़ गया ये बात सभी को क्लियर बढ़िया नो डाउट नो दिक्कत किसी को पॉइंट की बात समझते चलिए आइए बच्चा चलो इतने ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं पच्चीस बटा पचास सिर्फ अभी हमें दशमलव हटाना है अगर आपकी इच्छा है तो सरल भी कर लो फाइनल में एक बटा दो आ जाएगा नहीं तो वैसे छोड़ दो ठीक है आगे अब पूरा ज्ञान आप प्राप्त कर चुके हो तो आप इसको पैंतालीस बटा नब्बे लिख सकते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं पैंतालीस एकम पैंतालीस पैंतालीस दूना नब्बे फाइनल में एक बटा दो बढ़िया चलो देखो यार रिकॉर्डिंग में बड़ा मजा आती मुझे संतुष्टि मिलती है ये देखो ऊपर से मैंने दशमलव हटा दिया एक अंक पर था नीचे क्या होगा एक जीरो बढ़ जाएगा आप इनको 25 से डिवाइड कर दोगे तो 25 पंचे 125 और 25 धहाम है ना बट ये ऐसा सही नहीं था कह नहीं सही था ये प्रक्रिया सही नहीं थी 125 से डिवाइड करो दो आएगा ये ज्यादा सही है क्योंकि एक बार में हमें लाना है क्योंकि 125 और 250 का एच सी एफ एक होगा इसमें देखो बच्चा दो अंक पर दशमलव है तो ऊपर डायरेक्ट वैसे लिखेंगे नीचे क्या होगा दो जीरो बढ़ जाएगा कोई डाउट ना नीचे क्या होगा दो जीरो बढ़ जाएगा क्योंकि ऊपर दो अंक पर दशमलव था अब यहां फिर जीरो से जीरो निपटा दो भैया ये चौदह बटा बच रहा है चौदह कम चौदह चौदह पंच सत्तर सो आपका एक बट्टा पाँच बच रहा है इसमें कोई डाउट ना किसी को चलो आ, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा सेम उसी तरीके से है जैसे मैं अभी बताया हूँ तो आप ये होमवर्क करोगे उम्मीद है मुझे पूरी आपसे कि आप जरूर करोगे है ना बच्चा और इसी में आज का यक्ष प्रश्न क्वेश्चन नंबर छब्बीस जैसा कि मैं डेली आपसे पूछता हूँ तो बता भैया बता 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 बहुत ही आसान सा सवाल होगा आपके लिए बहुत ही आसान नौ गुड़ा चार ना 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 ना, 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 ना दस गुड़ा दस ये आ? ये क्या है परमीय है कि अपर्मिय है? कमेंट करके बताना ये इनाम वाला सवाल है ये परमीय है कि अपरमिय क्या है आपका क्वेश्चन है आज इनाम वाला जो इनाम वाला क्वेश्चन होता है ना डेली एक चलिए टाइप नंबर पे आ जाओ फिर इनाम वाले सवाल के बाद क्या कहता है आइए बहुत ही प्यार से देखो कह रहा कि जब दशमलव सिर्फ हर में हो अंश में ना हो आइए अभी अभी मैंने आपको बताया है बिल्कुल वही तरीका अपनाएंगे ऊपर कोई दशमलव नहीं था कोई लफड़ा नहीं इनको ऐसे लिख लो नीचे एक अंक पर दशमलव था तो प्यारे बच्चों दशमलव ख़त्म कर दोगे एक अंक पर था तो ऊपर एक जीरो बढ़ा दो बात ख़त्म पचपन एक कम पचपन पचपन दूना एक सौ दस होता है और एक जीरो फाइनल में आएगा बीस आगे बढ़ें चलो ऊपर देखो एक अंक पर नीचे दशमलव था तो ऊपर एक जीरो बढ़ेगा नीचे से दशमलव हो जाएगा ख़त्म ठीक है थर्टीन वन जा थर्टीन थर्टीन फाइव जा सिक्सटी फाइव होता है एक जीरो बगल में है यानी फाइव जीरो फिफ्टी कितना आसान कितना मज़ेदार कितना मस्त मस जबर जबरदस्त जो भी साथी इसे YouTube पर डेमो देख रहे हैं Instagram कहीं भी देख रहे हैं वो लाइक जरूर करें सॉरी तो मुझे ध्यान नहीं था डेमो नहीं ये तो पूरा सीरीज आपको फ्री मिल ही रहा है ना आपसे एक अनुरोध होगा निवेदन है कि वीडियो डाउनलोड ना करें डाउनलोड ना करें ऑनलाइन देखें जिससे एड वगैरह आता रहे और हम आपको आगे बढ़ाते रहें ठीक है समझ रहे हो बात समझ में आया ना ठीक है कोई डाउट किसी को चले आगे चलो ठीक है बढ़िया मस्त जबरदस्त अगला होमवर्क कर लेना चलो इसको बताओ आओ कैसे होगा ये नाइनटी फाइव अपान भैया देखो दशमलव एक अंक पर था बेटा दशमलव नीचे से हटा दोगे और ऊपर चला जाएगा जीरो ऐसा क्यों होता है अभी मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ रुक जा भैया ये भी लफड़ा है शायद मुझे लगता है साथियों फंस गया था थोड़ा सा वीडियो कोई दिक्कत नहीं आवाज़ तो मेरी आ रही थी ना हाँ मैं क्या बताया था मैं ये बताया था ये कैसे कटा था बताया था ना मैंने क्या किया सिक्सटी फाइव अपान वन पॉइंट थ्री था हमने इसको पूरा का पूरा वैसे उतार लिया जैसे था और ऊपर जो है एक जीरो बढ़ा दिया क्योंकि नीचे से साम खत्म कर दिया जैसे अभी बताया था वैसे पूरा प्रोसेस है कोई बात नहीं थोड़ा सा वीडियो फंसा था बीच में माफ़ी चाहते हैं उसके लिए टेक्निकल चीज़ें हैं आओ उन्नीस पंचे पंचानबे और एक ज़ीरो तो कितना आएगा बच्चा पचास ठीक है क्लियर चलो मस्त आगे एक सौ आठ नीचे क्या है अठारह अठारह दशमलव हम खत्म कर देंगे नीचे से ठीक है तो दो अंक पर दशमलव था दो अंक खत्म करेंगे तो ऊपर दो जीरो बढ़ा देंगे यही तरीका है अठारह छिक के एक सौ तो आठ होता है यानी एटीन सिक्स जहाँ वन जीरो एट होता है लास्ट में दो जीरो है तो दो जीरो बढ़ा दो फाइनल में छः सौ आ जाएगा यह आपका होमवर्क रहेगा कर लोगे ना कुछ कहना है कोई दिल में बात है तो बताओ नहीं ना बढ़िया मस्त जबरदस्त जब 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 चलो तो ये दो टाइप का हो गया तीसरा टाइप का मैं आपको अगली क्लास में करवाऊंगा वैसे फिलहाल आज का टाइम ओवर होता है एक चीज़ और बता दूं मैं आपको चलते चलते कि अगर आप बिल्कुल मैथ को लेकर सीरियस हैं और आप कम समय में सीखना चाहते हैं क्योंकि ये तो क्लास दस दस मिनट की होती है अगर आप चाहते हैं कि हमें दो दो घंटे का पढ़ना है तो आप ये वाला बैच ज्वाइन कर लें पूरे साल भर की फीस ओनली फोर बाकी आपको सारी सुविधाएँ मिलेंगी जो स्क्रीन पर दिख रही हैं बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सारा प्यार अगली क्लास का कर करना सुबह कल पाँच बजे इंतजार और मिलेंगे मेरे यार और रहना बिल्कुल तैयार ठीक है चलो थैंक यू